अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग मैंने आज 11 बजे स्टार्ट किया, सुबह 11 बजे, क्योंकि अभी मैं फारिग हुई हूँ तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। अब वैसे भी आप लोगों के साथ वादा किया हुआ है कि रोज़ाना व्लॉग बनाना है तो बनाना है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी ये मैंने खुद भी नहीं सोचा क्या शेयर करूँगी, पता नहीं पता। बहरहाल अभी जो टाइम है ना, 11 बजे का टाइम है और लाइट सुबह 9 बजे गई है जो कि 2 बजे आएगी। और मोबाइल में, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें 4% बैटरी रह गई है। कब ये बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। और मैंने सोचा जब तक है तब तक का तो व्लॉग बना लेती हूँ ना। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास बंदे से, यानी कि अपनी नानी अम्मा से मिलवाऊँगी। तो आज के, जी हाँ, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी नानी अम्मा से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आप लोग भी देखेंगे और वो भी आप लोगों को जानेंगी। वो कैसे आप लोगों को जानेंगी, वैसे आप लोग ही देखेंगे उनको। तो आज मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। तो चलते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। तो ये है मेरी नानो। नानो सलाम कैसे हैं? आप मेरे लिए दुआ करा करें। हाँ, नानो कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे लिए आप सब दुआ करें। नानो आपकी, पता है, आईज इस टाइम ग्रे नजर आ रही है। अच्छा नानो, ऐसे आपके आईज का कलर ग्रे है ना? ग्रे और ब्लैक दोनों है। तो आज मैंने आप सबको अपनी नानी अम्मा से मिलवाया। नानो को वैसे मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? बहुत अच्छी लगती है ये मुझे। और मेरा ख्याल भी बहुत करती है। हाँ, और नानो अब आपने क्या कहना है? थोड़ी सी डांट भी खा लेती है। नानो कह रही है थोड़ी सी डांट भी खा लेती है। डांट तो खानी पड़ती है ना, क्यों? बिल्कुल। और तो ताश भी कर लेती है। और नानो ये भी बताया ना, थोड़ा सा ऐसे मुंह भी बनाती है। मुंह जब बनाती है टाटा भी लग जाता है। अच्छा नानो, आपने ना कहना है कि जल्दी जल्दी आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे अंगूठा दिखा दे, समझ जाएंगे वो लोग। नानो कह रही है जल्दी जल्दी आप लोगों ने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं सादा बंदा हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। हाँ, नानो कह रही है मैं सादा बंदा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता तेरी तरह। तो खवे की तरह बोलती है। अभी नानो ने खाना खाया है और अभी मैं खाना खाऊंगी। और आज धूप, आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन धूप जरा ठंडी ठंडी है। कल का मैंने खाना कल से छोड़ा हुआ था। आज नानो की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से उन्होंने कल खाना नहीं, मतलब कल पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। तो आज अभी मैं उसके साथ जरूर आया करूँगी। हाँ, नानो कह रही है आप लोग सब मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, तो मैं इसके साथ ब्लॉग में ज़रूर आया करूँगी। आप लोगों से रोज़ाना मिला करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। अभी मैं लेके जा रही थी फ्रूटर, यानी कि ऑरेंज। और अभी जो ऑरेंज यानी जो माल्टे आए हुए ना, वो बड़े छोटे छोटे से आए हुए, लेकिन सही नहीं आए। बारिशें होंगी तो फिर इंशाल्लाह सही आएंगे। और सर्दियों में धूप में बैठ के विटामिन डी लेना, विटामिन सी लेना, तो यार इससे ही लो। और मैं यहाँ लेकर आई तो नानो ने कहा कि मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ। मैंने कहा चलें आप खा लें, मैं भी खा लेती हूँ, फिर और ले आऊँगी। और बस आज का व्लॉग तो बड़ा ही स्पेशल हो गया मेरे लिए, क्योंकि उसमें वही मेरी नानो आई हैं। वही आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आज तो आप लोगों ने ज़रूर दुआओं में याद रखना है। टाइम देखे 3 बज चुके हैं और मैं 3 बजे दोबारा व्लॉग शूट कर रही हूँ। और 3 बजे आप लोग सोच रहे होंगे, दिखाती तो ये घड़ी मेरे कमरे की, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। घड़ियाँ तो बहुत हैं, बहुत है, बेतहाशा है, बट मैं आपको इस कमरे की भी घड़ी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं पूरे 3 बज रहे हैं, पूरे 3। तो बस अभी चलते हैं, जाकर बनाते हैं चाय। तो चलें। अच्छा जी, तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाय को ना अच्छी तरह पकना चाहिए। और यहाँ पे चूल्हा तेज़ करती हूँ और चाय बनाती हूँ। मुझे भी दिखाओ, मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। और थोड़ा मैं चाय में डालने लगी हूँ शक्कर, और जो है ना शक्कर डालती हूँ मैं चाय में,
तो अब मैं चाय बना कर फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। क्या हो गया, चाय मैंने रेडी कर ली है और इसके साथ ये वाला बिस्किट है। तो भाई चाय ये रख दूँ या ले जाऊँ? अच्छा जी, कौन सी वाली लेनी है? ले उठा लो, अपनी चाय उठा लो। चलो इससे तो अपनी ये चाय उठा ली है, अब ये चाय वहाँ लेके जाते हैं। एक हाथ से चाय पकड़ी हुई थी और एक हाथ से ब्लॉग बना रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये सारे कप गिर गए और चाय गिर गई तो मेरे ब्लॉग की ना ऐसी ही टैसी हो जानी है और सब ने शोर मचाना है। तो बस यहाँ पर मैं चाय पी रही थी और फिर 4:30 बजे मैंने अकेडमी जाना होता है, तो मैं फिर अकेडमी जाने की तैयारी थी और मैंने साथ साथ चाय पी। और आज मुझे वैसे दिन के टाइम मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं अपने पाँव जो है ना वो नीम गर्म पानी में रखूँ कुछ देर के लिए, यानी मैनीक्योर पेडीक्योर जब घर करती हूँ, सुकून मिलता है, तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप लोग भी किया करें क्योंकि इससे ना दिमाग बड़ा रिलैक्स हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पर 4:30 बजे अकेडमी चली गई थी और वापस आई, तो फिर मैंने अपने लिए लाइक दोबारा चाय बनाई, क्योंकि मैं ना सिर्फ सुबह चाय नहीं पीती और शाम को दो बार, मतलब एक दफ़ा जाने से पहले और फिर जाने के बाद, क्योंकि सर्दियाँ। उसके बाद मैंने खाना खाया, खाने में सीख कबाब फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे, तो बस उसी को ही मैंने हल्का सा फ्राई करके खाना खा के और व्लॉग का एंड कर दिया। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे मज़ेदार से तिक्के वाले सीख कबाब थे जी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।